हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी। आप सोचो, पूर्व मुख्यमंत्री सर्वे कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन प्रभु राम की आराधना में व्यतीत हुआ, संपन्न हुआ, प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया। लेकिन आज बहन और भाइयों, जब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु पर कोई संवेदना नहीं, और दूसरी तरफ एक माफिया मरा था, अभी उसके घर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फतिया पढ़ने के लिए गए थे। देखो ना, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, इनके पास कोई कार्य योजना नहीं, लेकिन माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके पूरे प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए ये लोग कार्य करते थे। आप देख रहे होंगे, एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, देखो तीन चरण में चुनाव हुए हैं, समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग पांच लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तीन के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। चौथे चरण में कन्नौज में भी चुनाव होने जा रहा, वही भाजपा के झोली में जाएगा, और छठे चरण में आजमगढ़ में होगा, वो भी भाजपा की झोली में जाएगा। एकदम जीरो बटे जीरो होगा इनका, खाता ही नहीं खुलने देंगे। और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं बहन और भाइयों, उनके लिए ये चुनाव सत्ता प्राप्त का साधन होगा। इनके इन प्रकार इन सत्ता प्राप्त करो, बांट करके देश का नुकसान करो। ये लोग जाति के नाम पर बांटेंगे, देश के अंदर तमाम प्रकार से ये लोग विश्वमन करने का काम करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, ये जो परिवर्तन देश के अंदर आप देख रहे हैं ना, ये परिवर्तन के महानायक हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत वर्तमान में दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चुनाव लड़ रही है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए फैमिली फर्स्ट है, परिवार पहले है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट है। और इसीलिए ये चुनाव कांग्रेस और सपा के लिए, परिवार के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव होगा, आत्मनिर्भर बनाने का चुनाव होगा। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर, हर महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगी, हर अन्नदाता किसान खुशहाल होगा, हर श्रमिक के चेहरे पर खुशहाली होगी, चारों ओर गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, इनके जीवन में व्यापक परिवर्तन होगा। और आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत बनेगा, दुनिया की ताकत बनेगा। विकसित भारत का मतलब दुनिया की कोई ताकत फिर भारत को आंख नहीं दिखा पाएगी, आंख नहीं दिखा पाएगी। और इसीलिए उस विकसित भारत के लिए हम आपसे समर्थन मांगने के लिए अपने पास आए हैं। बहनों और भाइयों, 2014 में आपने अंगड़ाई ली, संजय मिश्रा टेनी जी को आपने भारी बहुमत से विजयी बना के भेजा, आपने स्थानीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन करके भेजा, श्री अरविंद गिरी यहां से चुनाव जीते थे, रोमी सानी पलिया से जीते थे, ये सभी हमारे विधायकगण चुनाव जीते हैं। आज अमन गिरी यहां पर
विधायक हैं और हमारे सभी विधायक मिलकर के सभी अभी टेनी जी के साथ मिलकर के लखीमपुर खीरी के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। लगातार कार्य हाईवे रेलवे के काम हो, यहाँ के पर्यटन विकास के कार्यक्रम हो या बाबा गोला गोकर्णनाथ के इस पावन स्थल को एक नए कॉरिडोर के रूप में विकसित करके श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप इसको भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम हो या फिर इस गोला टाउन एरिया को स्मार्ट टाउन एरिया के रूप में स्थापित करने का कार्य हो। आखिर बड़ी सिटी स्मार्ट नहीं होगी, स्मार्ट गोला भी होगा, लखीमपुर भी होगा, ये सब कार्य चल रहे हैं। और इसीलिए हमने कहा है कि सड़कें इतनी चौड़ी बननी चाहिए कि आराम से लोग चल सकें। स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करो, अब कोई किसी व्यापारी से रंगदारी नहीं ले सकता है, क्योंकि रंगदारी लेगा तो फिर उसके लिए जहन्नुम का रास्ता भी खुला होगा। अब व्यापारी से कोई अपराधी कोई गुंडा रंगदारी नहीं ले सकता, अब तो व्यापारी को पीएम स्वनिधि योजना मिल रही है। इस समाजवादी पार्टी के लोग पहले नौजवानों की नौकरी पे डकैती डालते थे और नौजवान के हाथ में तमंचे पकड़वाते थे। हमने कहा नहीं, नौजवान के हाथ में तमंचे नहीं, नौजवान के हाथ में तो टैबलेट होना चाहिए, टैबलेट टैबलेट। और बहनों और भाइयों, 2 करोड़ नौजवानों को हम टैबलेट दे रहे हैं। हमारा युवा भी स्मार्ट युवा बनेगा, दुनिया के अंदर उसकी धमक होगी, दुनिया के हर महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन में उसकी पकड़ होगी और भारत दुनिया का नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसके लिए अगर भारत में जो परिवर्तन आया है ये सच है मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन श्रेय आपको है क्योंकि आपका एक वोट मोदी जी को ये मजबूती दिया है। और इसीलिए इस अभियान को और मजबूत करने के लिए आज हम सब आपके पास आए, आपसे कहने के लिए कि आप सभी लोग अपने इस वोट की कीमत को समझिए। आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदलेगा, बदलने में निर्णायक साबित हुआ है, आगे इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपके पास इसीलिए आए हैं कि यहां पर विकास के लिए हमारे जनप्रतिनिधि कण कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस सपा बसपा इन सब को आपने खूब मौका दिया, मेडिकल कॉलेज ये लोग तो नहीं बना पाए, हाईवे तो नहीं बना पाए, पर्यटन विकास के कार्य को नहीं कर पाए। इन लोगों के द्वारा यहां पर कोई भी रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम नहीं हुआ, किसी भी मंदिर के पुनरुद्धार के लिए पैसा नहीं दिया गया। आज तो इन सबके लिए ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार पैसा दे रही है और पैसे की कोई कमी नहीं है, विकास कार्य के लिए और गरीब कल्याण के लिए कोई कमी नहीं है। आपको इस बात का आश्वासन देते हुए आपसे मैं अपील करूंगा, आपने 14 और 19 में से अजय मिश्रा टेनी जी को चुनाव जिता करके भेजा है, आज फिर मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, मोदी जी को तीसरा कार्यकाल भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए देने के लिए यहां से उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। 80 सीट पर 80 कमल की माला और उसमें से लखीमपुर खीरी भी एक है, इसलिए कमल खिलाना यह हम सबका दायित्व है। आप सहमत हैं? सहमत हैं? कमल खिलेगा? कमल तब खिलेगा बहनों और भाइयों जब आप आज के बाद से लेकर के आज हो गई 9 मई है ना, आज 9 मई है, 10, 11, 12 3 दिन का समय है आपके लिए प्रचार के लिए। आप अगर घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता से अपील करेंगे कि भाई देखो ये सामान्य चुनाव नहीं है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का चुनाव है, हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए,
हर नौजवान के हाथ को रोजगार देने के लिए, हर महिला को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए, हर किसान को खुशहाल करने के लिए ये चुनाव है जिसपे हमें विकसित भारत बनाना है। इसके लिए मोदी जी आवश्यक हैं, कमल चुनाव चिन्ह आवश्यक है, अजय मिश्रा टेनी आवश्यक हैं, और इसके लिए हम सब आपके पास आए हैं। आप करेंगे, घर घर जाएंगे, बीजेपी को जिताएंगे, कमल खिलाने का काम करेंगे, तो बहनों भाइयों फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।